हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा, साहूकार के सात लड़कों और एक लड़की की कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। वह एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी सातों बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे थे, उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उससे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं गया और देखकर वो बहुत दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी और देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं, अग्नि जलाकर उसके प्रकाश के चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विधन हर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की से अप्रसन्न हो गए और गणेश जी अप्रसन्नता के कारण उसकी लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर और सम्मान तत्पर्यंत उससे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी ने उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त किया। इसी प्रकार करवा चौथ मनाया जाता है।